सब पे किताबें रखे नदी पार पढ़ने जाया करते थे। माँ भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। क्या हुआ माँ? बच्चे बिल्कुल साथ इनके, ऐसे जैसे जो जो इनका जो जज्बा है उसके वो भी इक्वली हिस्सेदार हैं। तो वो मुझे इनकी बड़ी भारी स्ट्रेंथ लगी। आपने जो 6 साल में मुकाम हासिल किया वो बड़े काबिले तारीफ है। एक टाइम था कि आप उसके फॉर्मेलिटीज को लेके भी, लेकिन जो मैं आपको जिस कोशिश से उसमें लगा हुआ देखा, मुझे लगा कि ये आप डेफिनेटली किसी हाइट तक पहुंचेंगे, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने बताया उन्हीं उसी की चीज बनाते हैं। सोसाइटी में ऐसी मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए तो दुकान खुली हुई है, लेकिन खादर की मिट्टी से आप बर्तन बना रहे हैं, इसका बड़ा आपने जबरदस्त एग्जांपल पेश किया है। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन की जान है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं।
तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जंग में जितनी सोई नहीं उतने सोने की ताकत है। इस जंग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी कह रहा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक मैं से हम ये नहीं कहेंगे कि हम सब सारे इकट्ठे हैं, तब तक नहीं आ सकता। हमें सबका सोचना, सोच को बदलने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोगों की सोच बदले और इस चीज़ में? और मुझे ये लगता है कि जैसे ये एक छोटा सा एनजीओ इन्होंने शुरू किया है जो अब तक 600 बच्चों की का जीवन एकदम बदल चुका है, इसके बारे अगर बोला जाए तो बहुत हमारे सोसाइटी में लोग हैं जो ये इससे जुड़ना चाहेंगे और ऐसा करना चाहेंगे। तो हमें बेसिकली जो ये अच्छे काम हो रहे हैं उसको पब्लिसाइज करने की ज़रूरत है, और उससे क्या है, लोग जुड़ेंगे। और जैसे आपके टीवी चैनल हैं, मीडिया है, वो इन चीज़ों को आगे लाएगा तो बाकियों को भी इससे सीख मिलती है कि हाँ ये किया जा सकता है। ये मैं 2013 से इस एनजीओ की मैंने शुरुआत की थी, और शुरुआत ये की थी कि मैं किशोर बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। वो किशोर बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं और ऐसी स्थिति में रहते हैं जहाँ पर उनको वो साथ नहीं मिल पाता, वो प्यार नहीं मिल पाता, तो उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। कि जब मैंने ये चीज़ देखी कि 200 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हैं, किशोर बच्चे, और उनमें से करीब 17% जो बच्चे हैं हर साल स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं और स्कूल किसी न किसी कारण की वजह से छोड़ देते हैं, तो मेरा ये था कि मैं किसी भी तरह एक मेरे मतलब ये सपना है कि वो बच्चा स्कूल ना छोड़े, और मैं जितना उन बच्चों के साथ काम कर सकूँ करती जाऊँ रहूँ, बच्चा स्कूल ना छोड़े और जो छोड़ चुका है वो दोबारा से पढ़ाई में आ जाए। तो हम करीब 70-80 बच्चों ऐसे हैं जो कि स्कूल बिल्कुल छोड़ चुके थे, उनको हमने दोबारा काउंसिल किया, दोबारा हमने इस मुहिम से जोड़ा है। तो बच्चों का ट्रैक करता है परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट, तो थिएटर, डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, मार्शल आर्ट के थ्रू हम बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब बच्चे एक बार हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तब तो हमें धीरे धीरे उनको कॉन्शियस करते हैं कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, और फिर ये कोशिश करते हैं कि जो भी उनका पैशन है, जो भी उनका उन्होंने गोल लिया है या जो भी उनका सपने थे जो कि उनको लगता था वो पूरे नहीं कर पाएंगे, वो किसी तरह हम पूरे करवाने में उनका सपोर्ट करें। और हम कोशिश करते रहते हैं कि उनको काउंसिल करें, उनको कोच करें, तो हम उनकी हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग पर भी ध्यान रखते हैं, पढ़ाई वो पूरी करें उस पर भी ध्यान रखते हैं। तो हमारे जो कुछ बच्चे हैं वो आज IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, जर्नलिस्ट, ये करना चाहते हैं, तो मेरा ये है कि हम उन बच्चों के साथ काम करके किसी तरह उनको उस पावर्टी साइकिल से बाहर निकाल सकें जिस पावर्टी साइकिल की वजह से वो साधनों से वंचित हैं। तो हम ऐसे उनको व्यवसाय में या ऐसे रोजगार के क्षेत्र दिखाना चाहते हैं जिससे वो अपने परिवार को धीरे धीरे अपलिफ्ट कर सकें और आगे बढ़ सकें। और मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व होता है उनको देखकर आगे बढ़ता देखा। आपने एनजीओ स्टार्ट किया? मैंने 2013 में जयपुर से शुरू किया था और 2014 में हमने गुड़गांव में शुरुआत की। गुड़गांव में हमारे पास जगह नहीं थी तो 2 साल हमने पार्क में साईबाबा मंदिर के पास पार्क है वहाँ से मैंने शुरुआत की। जब मैंने उनको देखा बच्चों को वहाँ पर बैठा हुआ और मुझे पता चला कि पढ़ाने बहुत लोग आते हैं, तो मैंने पढ़ने की बात नहीं की, उनको डांस सिखाने की बात शुरू की। तो बच्चे डांस को देख के इतने अट्रैक्ट हुए और आज जो 5 साल बच्चे आए थे आज
जो एक नाटक हुआ मेरे सपने, उसमें जो मेन किरदार था लक्ष्मण, उसने वो खुद कहता है कि माँ अगर हमें ये पता होता कि आप पढ़ाओगे तो शायद मैं नहीं आता, लेकिन क्योंकि मेरा दोस्त यहाँ पर डांस सीख रहा था तो मैं भी डांस सीखने के बहाने आया, और आज वो 12th कर रहा है मास कम्युनिकेशन से इंग्लिश मीडियम में, और वो भी जर्नलिस्ट बनना चाहता है, और वो सारे एरियाज एक्सप्लोर कर रहा है, और हमारे बच्चे ताइक्वांडो में आगे बढ़ चुके हैं, रेड बेल्ट हैं, और अगले 6-7 महीने में ब्लैक बेल्ट के बच्चे हो जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि उनको जितने भी फील्ड से हम दिखा सकें कि क्या क्या और फील्ड हो सकते हैं जहाँ से वो जुड़ सकते हैं, वो हमारी पूरी कोशिश है। तो कितने बच्चे पास नहीं है? हम करीब 5,000 से ज़्यादा बच्चों को अभी तक डिफरेंट मूवीज जोड़ चुके हैं। उसके अलावा हम अभी जो एक प्रेजेंट है वो 550 से अधिक हमारे पास बच्चे हैं जो रेगुलर, जिनके साथ हम टच में हैं, जो हमारे एनजीओ में आते हैं या हम दूसरे एनजीओज और दूसरी संस्थाओं में या कम्युनिटी में जाकर जिनके साथ हम काम करते हैं, तो इस तरह से है। और मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले समय में एक भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो, किसी भी वजह से उसे पढ़ाई ना छोड़नी पड़े। जब मैं इस संसार से विदा लूँ, जब भी लूँ, तो उस समय सारे बच्चे स्कूल जाते हों और वो 17% भी ना बचे और वो बढ़े ना। तो मेरा साथ सपने हुए अपने के साथ मैं इस प्रोजेक्ट